gametogenesis in the human beings. Here we'll discuss what is the gametogenesis, the types, and the whole about the spermatogenesis and their hormonal. Genesis, it means the formation. For what? Gamete. It means the formation of gamete in the sexually reproducing organism is called the gametogenesis. What is gametogenesis? The formation of gametes in the sexually reproducing organism is called the gametogenesis. It is two types, spermatogenesis and oogenesis. It means the formation of spermatozoa. The formation is called the spermatogenesis, and oogenesis formation of ovum, that is the female gamete, from the oogonium cell. From the oogonium cell is called the oogenesis. तो oogenesis के बारे में हम next video में पढ़ेंगे, but here we discuss the spermatogenesis. What is the spermatogenesis? Spermatogenesis is a process of formation of spermatozoa or sperm from the spermatogonium. Here we discuss how the spermatogenesis takes place. अभी चीज को पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपसे और यह चीज दिमाग में बिठा लीजिए. Spermatogenesis males में जब वो प्यूबर्टी स्टेज में युवा अवस्था में उत्पन्न होते हैं तब स्टार्ट होता है, लेकिन फीमेल्स की बात करूं तो ओजेनेसिस ये फीमेल्स में जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में मां के गर्भ में आती है जो अभी आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ द प्यूबर्टी. इसके फोर स्टेप्स हैं, फोर फेजेस हैं. द फर्स्ट फेज इज द मल्टीप्लीकेशन. Here the germinal epithelium means spermatogonium means spermatogonial
और इंक्रीज इन होगा। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों माइटोसिस होता है? क्योंकि अगर ये जनरल इक्विलिब्रियम सेल्स सभी चलकर आगे स्पर्म में कन्वर्ट हो जाए और फर्दर कोई स्पर्मेटोजेनेसिस से नहीं बचा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस आगे कैसे होगा? इसके लिए हमें नंबर ऑफ सेल्स को मेंटेन करके चलना होता है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस मदर से वो हमेशा बची है। अब बचेगा कैसे? जो माइटोसिस डिवीजन कंप्लीट करेगा जिससे उसकी संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम और यहां पर जो क्रोमोसोम होगा
23 chromosomes. Further, the secondary spermatocyte undergo second meiosis and forms four haploid अब spermatocyte क्या कहेंगे spermatids matrix. Is it clear? अब secondary spermatocyte ये spermatic रहेगा जो four की संख्या पर है और यहां पर भी number of chromosomes 23 क्योंकि हम जानते हैं कि जो meiosis division जो second होता है it is same like the mitosis. यहां पर बस cell की संख्या में increase होती है लेकिन chromosomes के number की कोई असर नहीं होता. हमने देखा यहां पर 46 क्रोमोसोम से 23 क्रोमोसोम हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो गया स्पर्म स्पर्मेटिक के अंदर. अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन फेज में ये जो स्पर्मेटिक से by developing the head and tail region. डेवलपमेंट हो गया और वो कन्वर्ट हो गए स्पर्मेटोजुआ में और इस प्रोसेस को कहते हैं द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन सॉरी स्पर्मियोजेनेसिस. दिस प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियो फॉर्मेशन के बाद जो स्पर्मेटोजोआ है वो हेड रीजन के थ्रू सर्टोरी सेल से कनेक्ट हो जाते हैं नरिशमेंट लेते हैं और नरिशमेंट लेने के बाद वो सेमाइनल वेसिकल्स में रिलीज कर दिए जाते हैं अगर वो टनल मीडियम आते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. द प्रोसेस कॉल्ड द देखोगे ऐसी सर्टोलिसिस होगी और यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के रीजन के थ्रू कनेक्ट होंगे इसके बाद ये स्पोन्स रिलीज हो जाएंगे और फिर रिलीजिंग ऑफ द स्पोन्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन. कॉल्ड स्पर्मिएशन यहां पर हम इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं.
अब देखते हैं यहां पर एक स्पर्म मेटोगोनियोस और वहां पर इस पर मिटोकॉन्ड्रिया में माइटोसिस द मियोसिस रीजन